उसका पहला ऑडिशन है फारा खान कोरियोग्राफी कोर्स बॉम्बे मुंबई सेंटर का. उसके बाद हम जयपुर इंदौर आगे जाने वाले हैं. सो इट्स नाइस टू सी कि इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं. आज हम ऑडिशंस लेंगे, देखेंगे वेदर दे आर गुड इनफ टू टेक द कोरियोग्राफी कोर्स. क्योंकि डांस क्लासेस बहुत सारी है और बहुत अच्छी अच्छी डांस क्लासेस है. शामा की क्लासेस बहुत अच्छी है, टेरेंस की अच्छी है, बहुत सारे है. माधुरी है स्टार्टेड ऑनलाइन क्लास. सो आई डिड, मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि मैं फिर एक और डांस क्लास करूँ. मुझे इंटरेस्ट था कि जब आप डांसर बन जाते हो उसके बाद आपके लिए कोई भी कोर्स नहीं है जो आपको सिखाए कि आप कोरियोग्राफर कैसे बन सकते हो. सो आई थिंक वो मेरा फील्ड ऑफ नॉलेज है. 25 साल से मैं कोरियोग्राफर बहुत सारे गाने के हैं और आई थिंक ऑल द एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है अलग अलग डायरेक्टर से वो सब इस कोर्स में बाकायदा 12 हफ्तों का कोर्स बनाया है. खुद लिख कर सारी चीज़ें उसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज से लेकर थियोरी जो भी एक कोरियोग्राफर के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑल दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स. बहुत सारे लोग आए हैं और कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, मेरी आई होप के लोग सच में गर्ल्स साइलेंस प्लीज संदेश. मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि आई होप कि लोगों को पता लगे कि हम बहुत सीरियसली ये कोर्स करने वाले हैं. और इस कोर्स में क्योंकि जब मैं आई थी इंडस्ट्री में तब कोरियोग्राफी ऐसा प्रोफेशन था ही नहीं कोई. मतलब बहुत सालों लग जाते थे डांस डायरेक्टर बनने के लिए. लेकिन अब क्योंकि रियलिटी शोज इतने आ गए हैं, इतने सारे गली नुक्कड़ में सब डांसर्स अच्छे अच्छे डांसर घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जब वो शूट करने को उनको बुलाओ तो दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज. तो माई एक्सपेक्टेशन इज कि आफ्टर दिस कोर्स जब ये कोर्स से वो सीख कर जाए दे बिकम बेटर एट देयर जॉब देन दे वर 12 वीक्स बिफोर द कोर्स. मेरा बहुत बहुत इनपुट नहीं नहीं बहुत इनपुट है क्योंकि पूरा जो कोर्स डिजाइन किया है वो मैंने ही डिजाइन किया है. ऑफकोर्स आई हैड एकेडमियन विद मी उल्कापुरी एंड माई असिस्टेंट. सो रेफरेंसिंग सारे गानों की कौन सी वीक में क्या सिखाना है, प्रैक्टिकल्स कैसे करने हैं, ऑल दैट हैज बीन कॉपीराइटेड मेड बाय मी एंड कॉपीराइटेड फॉर माय कोर्स. ऑफकोर्स फैकल्टी मैं चुन रही हूँ. मैं उनको पहले तो हम 4 हफ्ता फैकल्टी को ट्रेन कर रहे हैं. सो फैकल्टी इज ऑल्सो ऑल माई असिस्टेंट्स जो कोरियोग्राफर्स रह चुके हैं, जो कोरियोग्राफी कर चुके हैं, सो दैट दे नो वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड ऑफकोर्स आई थिंक एवरी 2-3 वीक्स आई विल बी विजिटिंग द सेंटर्स. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ यहाँ बैठ कर टीचिंग का जॉब करूँगी, बट दे हैव बीन ट्रेंड. ऊपर से जो सारे रेफरेंसेज हैं उसमें मैं शूट करके भी बोल रही हूँ. सो नो देयर इज नो वे दैट पीपल कैन गो रॉन्ग एंड स्टार्ट टीचिंग समथिंग एल्स. आपको किसने डांस सिखाया और आप किस? मुझे माइकल जैक्सन ने डांस सिखाया है. और आप किसको बेस्ट डांसर मानती हो और उससे कुछ सीखना है? देखो मैं खुद सीखी हुई हूँ. सो मैं हमारे टाइम पे तो डांस क्लासेस भी नहीं होते थे. सो बट टुडे पीपल हैव सो मच मोर अपॉर्चुनिटी. और बेस्ट डांसर आई थिंक फॉर मी द डांसर दैट मेक्स मी स्माइल एंड मेक्स मी हैप्पी एंड दैट इज गोविंदा. See, there will be not only film stars. I think for a choreographer, more than film stars, it's important कि हम editor लाए, directors आए उनसे बात करने. Definitely a visiting faculty होगी. My friends will come. Lyric writers आके उनसे बात करें कि lyric की interpretation कैसे होती है गानों में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं lyric कुछ बोल रहा है, गाना कुछ कर रहा है. So all these are important things that they need to do, specially technically. Of course, एक दो film stars अगर आएंगे तो I mean kids will get excited, but I don't know how much a film star will be able to teach about choreography to the kids. So we want to keep it academic. Farah, going off topic. Yes, always. We will, of course, we are always very excited. Yes, we know why you are. Yes, you know why I'm here. Who broke your hand? Somebody who you asked a wrong question. Yes, as usual. So, you know, obviously, Karan Johar had made an appeal yesterday. Yes, I was shooting with him yesterday. You were, sorry? I was shooting with him before he did that, yes. Okay, and what do you feel as someone who's a close friend? Yeah, see, I know how stressed he is and he's a dear friend of mine. And I think he said it all when that's exactly what he feels. I mean, nobody can believe
that you know that Karan would do anything which is not national or patriotic. I think all of us feel like that, and I think his statement has finally arrived, and I think it says it all. So now the matter should be put to rest. And what do you feel as a creative person? Does this environment bother you at the moment? Yeah, there are a lot of things that that bother us. It's not only this. There are a lot. So let's not get into that, because whenever we open our mouth, we only get into trouble. Thank you. Thank you. Thank you so much.